साथियों मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जो है वोट हमेशा आर्थिक सवालों पे करना है, इस बात को समझ लें हमारे साथी। वोट हमेशा आर्थिक सवालों पे करना, किसी भी ऐसे सवाल पे वोट नहीं करना जिससे जिसका आर्थिक संबंध नहीं है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे गाय का सवाल हो, चाहे जो है और कोई ऐसे दूसरे सवाल हो। जितने भी ऐसे सवाल फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद के सवाल हो, इसका किसी का कोई आर्थिक संबंध नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परमानेंट नौकरी, दुकानदारों का दुकानदारी, देश का जीडीपी, हमारा आर्थिक जो है जो असमानता बढ़ रही है, जो हमको जो आर्थिक सवाल है जिससे डेवलपमेंट होने, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, उसकी क्या पॉलिसी है, ये सारे सवाल हैं, इस पे वोट करना है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना है साथियों, लालच में सवाल नहीं करना। लालच क्या है, हम 25 किलो चावल देंगे, 25 किलो ये देंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे, किसानों को जो है फलाना ना कुछ देंगे, इस तरीके से जो लालच देते हैं, सरकारें लालच देती हैं, उन्होंने स्कीम के नाम पे जो कहते हैं कि साहब जो हमने घर बनवा दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी, हमने आपकी फलानी स्कीम लगा दी, हमने आपकी कन्या को जो है आपको कन्या योजना दे दी है, हम बच्चियों की शादी में 50,000 रुपए दे रहे हैं, ये जो सारा चीज है इस पे भी हमको वोट नहीं करना चाहिए। इससे हमारा कोई बदलाव नहीं होने वाला, इससे कोई जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला, ऐसा ये भीख देने वाले काम से। हमको अपना आमदनी बढ़ाना है, हमको आय बढ़ाना, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए 24,000 महीना। किसान को फसल के दाम चाहिए, जो उसकी लागत लगती है, जो उसका रेंट वैल्यू है, स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले से C2+50% जो उसका रेट बनता है उस पर तुलाई की फसल चाहिए, उसको कर्ज माफी भी नहीं चाहिए। अगर ये लागू हो जाए तो उसको फिर कर्ज माफी भी नहीं चाहिए, कर्जा भी चुकाएगा वो। और यदि नौजवानों को कम से कम 18,000, 20,000, 24,000, 25,000, 30,000 रुपए महीने का वेतन मिलना शुरू हो जाए तो हमको बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, हमको ये छोटा सा घर बनाने वाला नहीं चाहिए, हमको कन्यादान योजना नहीं चाहिए, हमको बच्ची की शादी में 25-30 हजार रुपए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 24,000 रुपए महीना न्यूनतम वेतन, महंगाई के हिसाब से बढ़े, आमदनी बढ़े, शिक्षा हमको फ्री चाहिए, शिक्षा हमको फ्री चाहिए, स्वास्थ्य हमको फ्री चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करे, शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, तो फिर हमको ये है असल सवाल। अगर हम इन सवालों पे लड़ते हैं, इन सवालों पे वोट करते हैं, तो जाके कुछ बदलाव होगा। इसलिए आप पहली बात, धर्म के नाम पे वोट ना करें, जाति के नाम पे वोट ना करें, और दूसरा लालच में आके वोट ना करें, नीतिगत सवालों पे वोट करें और उनसे पूछें कि आपकी हमारी वेतन बढ़ाने की नीति क्या है, शिक्षा की न्यास नीति क्या है, स्वास्थ्य की नीति क्या है, आदमी का जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा उसकी नीति क्या है, परमानेंट रोजगार दोगे नहीं दोगे उसकी नीति क्या है, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका जो है रोजगार कैसे बढ़ेगा उसकी नीति क्या है, किसानों की फसलों के दाम पूरे कैसे मिलेंगे C2+50%, इस पे नीति क्या है तुम्हारी, कैसे दोगे, किस तरीके की सिचुएशन है, इस पे सवाल उठाने हैं, ये सवाल उठाने हैं हमको, ये सवाल हमको बोलने हैं, ये सवाल कोई टेलीविजन नहीं बोलेगा, ये सवाल कोई माइक पार्टी का नेता नहीं बोलेगा, ये सवाल भाजपा वाले नहीं बोलेंगे, ये सवाल कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, ये सवाल हमको उठाना है, ये सवाल जनता को उठाना है और जनता को पूछना है, और पूछने के बाद उनको कहना इसी सवालों पे हम वोट करेंगे। तो अगर हम ये सवाल उठाने लगेंगे तभी साथियों सही राजनीति होगी, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी देश की जनता का राज कायम होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे साथियों। ये ध्यान रखना है, ये समझ के जो हमने वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो को सुन के समझ के आपको वोट करना है।
वोट करने के पहले बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हम किन सवालों पर वोट कर रहे हैं, जो मुख्य सवाल है उन्हीं पर वोट करना है। हाथ जोड़ के मेरा फिर भी निवेदन है कि जाति के नाम पे कभी वोट नहीं करना है, जाति के जितने भी ठेकेदार आए उनका नहीं सुनना है, हमको मुद्दों पे वोट करना है, धर्म के नाम पे हमें वोट नहीं करना है, राम मंदिर के नाम पे वोट हमें नहीं करना है, गाय के नाम पे वोट हमें नहीं करना है, हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद के नाम पे वोट हमें नहीं करना है, हमको वोट अपने जिंदगी से जुड़े हुए आर्थिक सवालों पर करना है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वेतन का, हमारा जीवन स्तर बढ़ाना है। मुख्य सवाल है कि हमारी परमानेंट नौकरी, हमें ऐसी नौकरी मिले जिस नौकरी में 30,000 से 35,000 रुपए महीना वेतन हो और हम पूरा जिंदगी परमानेंट जॉब हो, ताकि जॉब स्थायी जॉब होगा तो हमको एक स्थायी आय का साधन होगा, किसानों को जो है स्थायी उनकी फसलों के दाम मिले, किसानों को सहयोग किया जाए, किसानों को खेती को जो है फायदे का सौदा बनाया जाए, सिंचाई के संसाधन पैदा किए जाएं, उनको डीजल और बिजली सस्ती दिलाई जाए, ये है मुद्दे, इस पर वोट करें साथियों। मेरी भावना को आप समझ गए होंगे। अंत में मेरा अपील है कि मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, पूरे देश के हर मतदाता के पास पहुंचाए, ताकि उसको समझ में आए कि हमको किन सवालों पे वोट करना चाहिए, किन सवालों पे वोट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो अगर पूरे देश के 125 करोड़ जनता के पास आप पहुंचा देंगे तो मैं बता दे रहा हूं कि देश का एक युग बदल जाएगा, देश में भारी परिवर्तन हो जाएगा। भाजपा और कांग्रेस जैसी पूंजीवादी गलत पार्टियों का गलत नीति उखड़ जाएगा, गलत नीति भाग जाएगा, गलत नीति वो झूठ चला नहीं पाएंगे, जुमले मार नहीं पाएंगे। जनता जब उठेगी जागेगी, जनता जब सवाल करेगी तो दौड़ते नजर आएंगे, फिर हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे वापस लेके आएंगे, मजबूरी में लेके आएंगे मगर फिर लेके आएंगे, फिर हमारी बात करेंगे। तो जनता के हाथ में सब कुछ है, इसलिए हमको जनता को जागरूक होना है, हम सबको जागरूक होना है और इस वीडियो को हर मतदाता के पास पहुंचाना है, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स में डालना है, फेसबुक में पेश करना है और भी जहां जहां कर सकते हो वो करना है। इसके साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जो वीडियो के नीचे आप देख रहे हो लाल कलर के से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा दीजिए, और बाजू में घंटी दिख रही है, घंटी को भी दबा दीजिए। आपने कर दिया है, आप हमारे साथ जुड़ गए हो। अब जो भी हम नया वीडियो डालेंगे वो आपके पास आएगा, आप उसको सुनोगे, समझोगे और पूरे लोगों को फैलाओगे, और इस तरीके से हम देश में एक अच्छा राज लेके आएंगे, देश के एक जो है देश को बचाने के लेके आएंगे, जनता का राज लेके आएंगे। इसी अपेक्षा के साथ कि आप इस मुहिम में हमको सहयोग करोगे और इस मुहिम में आप हमारे साथ खड़े होंगे, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है इस मुहिम को चलाने का, इस मुहिम को देश की जनता तक पहुंचाने का, तो आप इसमें सहयोग करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।